Hey guys, welcome back to my channel. Good morning. Good morning, guys. खोड़ा रही यार बस एक मिनट. तो yes guys, good afternoon. उसके बाद मैं मतलब किसी की कॉल आ गई थी, कुछ मीटिंग थी और अब मैं नहा के ऑल सेट. मैंने पहना है अपना ये H&M वाला नाइट सूट. क्या ये अच्छा हाँ. तो गाइज अब क्या अभी मैं बस नहा के ही आई हूँ और अब टोनर वोनर लगाती हूँ फेस पे थोड़ा सा, क्योंकि पिंपल्स हो गए यार. ये कभी मेरे पीछा नहीं छोड़ सकते भाई. ये यहाँ कहीं भी हुआ था शायद. तो चलिए गाइज पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं. तो गाइज आई एम डन. मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर, टोनर और चिक और लिप्स पर लगाया है टेंट. बहुत ही नेचुरल टेंट है. अब मैं फ्री हो गई अपने काम वाम से. ठीक है, अब बच रहा है एक, तो अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं. आज मैं ना मार्केट जाने की सोच रही हूँ. हमारे यहाँ ना बाहर मंडे मार्केट लगती है, तो मैं सोच रही हूँ वो ले आऊँ थान वाला कपड़े ना, तो सूट के लिए. तो वो सोच रही हूँ, अब देखती हूँ यार. चलिए आप पहले खाने वाने की तैयारी करते हैं. यार मैं कॉल से कहीं एक मिनट रुकूँ. तो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया. यार गर्मी के दिन इतने बेकार होते हैं, मुझे नहीं पता था. मेरी पहले गर्मी फेवरेट थी बट अब मुझे गर्मी से नफरत हो रही है भाई. आल का सारा यार. और अब दो बज गए हैं तो अब हम जा रहे हैं भजनपुर मार्केट, कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेकर आने हैं होली के लिए. और फिर वहीं से मुझे जाना है मंडे मार्केट. आज मंडे है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुर्ती वगैरह के लिए वो ले आऊँ कपड़ा, तो वहाँ जाऊँगी अभी. तो चलिए गाइस फटाफट से जीन्स टॉप डाल लेती हूँ. तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ. हम लोग निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर में. क्या बस निकलने ही वाले हैं. ये ना लॉन्ग नेक ब्रॉड नेक वाले में ना बहुत दिक्कत होती है कपड़े पहनने में, बैगडी वगैरह सब दिखती है. तो गाइस चलिए चलते हैं होली का सामान लेने के लिए और वो लेकर आ ली होली की टी शर्ट्स वगैरह. चलो निकल चुके हैं हम लोग. ये है और मैं हूँ. हाय. और कैमरा का वो लाइट पड़े ना पीछे से, तो फिर से. और गाइज एज यूजुअल हमें रिक्शे से जाना पड़ेगा. एक मिनट, वो कॉल आ रही है किसी की. गाइज गर्मी धूप देखा, कितनी चटक धूप पड़ रही है भाई मार्च के महीने में ही. कैसे जाएगी पूरी गर्मी, मई जून की तो हद्दी मचा देगी. गाइज मंगाई थी मेरी जीन्स है. चलते हैं चलो. One hour later. तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट, भजनपुरा मार्केट. हमें ये वाली टी शर्ट चाहिए, होली है वाली. देखते हैं हम यहाँ पे हमें कौन सी पसंद आती है. अभी तो हम लोग सिर्फ मतलब घुसे ही हैं मार्केट में, अंदर जाकर देखेंगे ये कलर ये चाहिए. यार गाइस बाकी सब तो ठीक है पर गर्मी देख रहे हो, मुँह देख रहे हो भाई. मैं परेशान हो गई घुसते सही थी, इतनी चटक धूप पड़ रही है मुँह पे कि बस क्या ही बताऊँ. और जो हमें चाहिए ना वो यहाँ पे है भी नहीं. तो गाइस अभी हम यहाँ से देख रहे हैं होली की टी शर्ट वगैरह. अबे सही आएगी और क्या, बच्चों वाली पहनोगी? नहीं आएगी इतना ठीक है ये. और क्या गाइस यहाँ पे देखिए, मुझे ये अच्छा लगा बट ये 1500 का है तो कुछ वर्थ ही तो है नहीं. और ये बाल देखो कैसे लगेंगे मेरे पे. खरीद लें ये वाले. गाइज हमने टी शर्ट यहाँ से ले ली है और अभी हम जा रहे हैं घर को. हमने अभी होली के लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा. हम लोग घर पे जाके लेंगे, मतलब हमारे जो बाहर से भैया बैठते हैं ना लेंगे उनसे. और एक टी शर्ट ली है होली की और एक होली है हल्का सा गुलाल बस और कुछ नहीं. ये लिए हमने लड्डू गोपाल जी के लिए और अभी हम यहाँ से मुकुट दे रहे हैं. अभी आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा ले रही हूँ. आपको एक चीज दिखाती है भाई, देखो इनके भी 1M होगा यार, मेरे भी करवा दो फटाफट से 1M. और यहाँ पे हम खा रहे हैं अपने मोमोज. मोमोज थे इनके एक नंबर और इन भैया के 100 के हो गए, 1.5 साल में करे इन्होंने 100 के. मोमोज भी अच्छे थे. इनके पास एक चैलेंज भी था कि आपको एक मिनट में 8 मोमोज खाने हैं. मोमोज इतने बड़े बड़े हैं. लोग मतलब जीते भी हैं, जो जीतते हैं उनको 1100 रुपये मिलते हैं और जो हारते हैं उनको 2000 रुपये वापस देने होते हैं.
मन तो भरा नहीं होगा, तो शौक नहीं है मोमोज खाने का ना, तो फिर इस वजह से गर्मी पड़ गई। अब हम यहाँ से लेने कर लेगा जूस दो 10-10 रुपए के। गर्मियों में पीने में ही मतलब मजा आता है इसका। गाइस ये मार्केट थी, ठीक है, ये मैंने ये वाला कपड़ा लिया हुआ है ब्लैक कलर में, 80 रुपये मीटर, 2.5 मीटर लगेगा मेरी कुर्ती में, और आप मेरे बनने के बाद देखना। कपड़ा लिया हुआ है अपनी कुर्ती के लिए, बताना कैसे लगेगा। गाइस एक मैंने ये लिया हुआ है जॉर्जेट में, ये 40 रुपये मीटर में कपड़ा है। गाइस अब हम यहाँ से देख रहे हैं अस्तर, जो कि 25 रुपये मीटर है, मुझे ब्लैक वाले का तो मिल गया ये वाला, अब एक बार इसका और देखना। तो गाइस हम लोगों ने खरीद लिया है अपना सामान, बनने के बाद दिखाऊंगी जैसे मैंने मतलब एक्सपेक्ट किया है, आई होप कि वैसा मेरे को रिजल्ट भी मिले मेरी कुर्तियों का, देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब अपने घर, थक गई भाई, मेरे पैर जवाब दे गए यार, शिट भाई। गाइस ये लिया मैंने, एक ये है येलो कलर का, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगे, और एक ये मुकुट है इनका, दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये 100 रुपये का है, ये 60 रुपये का है, बताओ कपड़े से महंगा तो मुकुट आ रहा है इनका। तो फ्रेंड्स मैं अभी अपनी ये वाली कुर्ती डालने के लिए जा रही हूँ टेलर के पास, हमारे घर के साइड में आंटी जी, वो बहुत ही अच्छा सिलते हैं। ये है इसमें अस्तर की ज़रूरत होगी या नहीं पता नहीं, वो तो आंटी जी ही बताएंगी, देखते हैं। गाइस अभी हमने सफाई वगैरह करी है, चाचा आ रहे हैं अभी, तो फिर इसीलिए यार मैं थक गई यार आज। गाइस यार दोस्तों मैं थक गई यार, और मैं सूट दे आई हूँ, 190 रुपये लिए आंटी ने सिलाई के, सही है सूट, बहुत ही सेक्सी है, मतलब क्लासेस सा है, सिंपल सा, सिंपल एंड सोवर, बनने के बाद दिखाऊंगी कैसा लगेगा, 10 तारीख को देंगी। और यार गाइस मार्केट से आने के बाद पता नहीं मेरे सर में दर्द, आंखों में दर्द, मेरे को नज़र लग गई, मम्मी यारी मेरी बेटी है इतनी खूबसूरत, उसको आज मैंने काला टीका नहीं लगाया, उसकी नज़र लग गई यार गाइस, जबकि मैंने नजरिया पहना हुआ, देखो धागा भी पहना हुआ नज़र का, देखो पैरों में भी नजर पे धागा लगाया हुआ, देखो बंधा हुआ गाया हुआ सॉरी पड़ा हुआ, इसके बाद भी नजर लग रही है, अभी नजर उतरवाऊंगी अपने, मेरा सर फट रहा है दोस्तों। आपके साथ भी ऐसे होता है कि जब आप काला टीका ही लगाते हैं। अभी हमारे चाचा आए थे, वो चले गए आधे घंटे बैठ के, बस और गाइस अब टाइम हो चुका है 8, वो तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, कोई नहीं शांत रहो, या मेरा सर फट रहा है बहुत तेज। गाइस अभी मैंने होली की शॉपिंग भी नहीं करी है यार। मम्मी हंस रही है, मम्मी कह रही होली पे कौन शॉपिंग करता है, इनको बताओ यार, हमारे घर के बाहर बैठे हैं वहीं से लेंगे। मेरा भाई आ गया जिम कोच, किसी को अपनी बॉडी वॉडी बनाने तो प्लीज मुझे डीएम करे, कहीं जो मेरी होल कर रहा पर मेरी बराबर हो नहीं पाई गई। सारी गाइस मैं हूँ, भाई में नजर लग गई, तो गाइस हम यहाँ पे देख रहे थे टीवी, और टीवी देखते देखते मेरी नज़र गई इस पे, ये देखो कैसे मस्त सो रहा है यार, ये ना मतलब बिना पिलो के नहीं सोता, कि आपका भी पेट ऐसी है कि वो बिना पिलो के नहीं सोता, हमारा तो भाई सोता ही नहीं है बिना पिलो के यार। गाइस यहाँ पे गुजिया की तैयारी चालू हो रही है हमारी, गुजिया बना रहे हैं अब हम,
तो गाइस यहाँ पर मम्मी ने घी डाल दिया है, अभी हमें घी इसमें सिर्फ ऐसे मतलब मसलना है ऐसा करके। अरे वो थोड़ा मसलना पड़ता है ना, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस मेरा सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, सर पड़ रहा है, नजर भी दर्द हो रही है, नहीं जा रही, पता नहीं ससुरा कौन है नजर लग। देखो मेरा रंग कितना फेड पड़ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, अब मैं ठीक हूँ। मैं सो गई थी, दवाई वगैरह खा के नज़र भी दो तीन बार मतलब उतर भाई चढ़वाया था, तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं उठ चुकी हूँ। टाइम क्या हो रहा है, 10 बज गए। इसकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई अभी, ये सो रहा है, इसकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई, और मैं अब ठीक हूँ। और हैप्पी छोटी होली, आज छोटी होली है, कल बड़ी होली, आज 7 तारीख है। इसको देख लो आप, पहले ये सो रहा है मस्त तरीके से अपना, गोली मस्त सो रहा है भाई। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और सफाई वफाई मैंने कर ली है, तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, राम राम जी, अल्लाह हाफिज़, बाय। सब बरात आप सभी को मुबारक हो।